अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टी केक थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ, या हम प्लेन भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बटर लिया है हमने 250 ग्राम, मैदा लिया है हमने 250 ग्राम, आइसिंग शुगर लिया हमने 250 ग्राम, 6 अंडे ले लिए हमने, 8 से 10 बादाम लिए इस तरह बीच में से कट कर लिए हमने, और 8 से 10 पिस्ते ले लिए वो भी इस तरह से हमने कट कर लिए। 5 ग्राम हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने लेमन जूस लिया है, अगर लेमन एसेंस आपके पास है तो 1/2 टीस्पून वो डाल दें। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, उसे गर्म होने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। इसके अंदर हमने ये जाली स्टेन रखा हुआ है और कुछ भी नहीं डाला इसमें, कवर करके गर्म होने देंगे पहले से, तब तक हम बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मक्खन को बीट करेंगे, मक्खन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए। मक्खन को हम 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर लाइट क्रीमी हो गया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल के दोबारा बीट करेंगे। थोड़ी चीनी और डालेंगे, बीट करेंगे, इस तरह डालते जाएंगे, बीट करते जाएंगे, बाकी की चीनी डाल देंगे सारी। दो मिनट और बीट करेंगे हम। बटर और शुगर हमने बीट कर लिया, अब एक एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। एक अंडा डाल दिया हमने, बीट करेंगे इसे। अब हम इसमें दूसरा अंडा डालेंगे, फिर 1 मिनट तक बीट करेंगे। अब हम इसमें तीसरा अंडा डालेंगे, इस तरह एक एक करके डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। सारे अंडे हमने डाल दिए। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, आधा मैदा डालेंगे पहले, मिक्स करेंगे इस तरह से ताकि ये चलाते हुए उड़े ना। बीट करेंगे हल्का सा, दोबारा आधा मैदा डालेंगे इसमें, साथ में बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे, बीट करेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे, बस हो गया, इतना ही मिक्स करना है हमें, ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने कट किए थे वो डालेंगे, थोड़े से छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी सारे हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, मिक्स करेंगे हम। मिक्स हो गया, ये केक का सांचा लिया है हमने, बटर पेपर लगा दिए, ग्रीस कर लिया हमने इसे। अब इसमें डालेंगे हम, 2 बनेंगे इससे हम केक, डाल दिया हमने इसमें। अब टेप करेंगे इसमें, इससे इस तरह से, थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
बेक करने के लिए रखेंगे। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी। चेक करेंगे अब, केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चेक करेंगे हम स्टिक डाल के, इस तरह से स्टिक हमारी क्लियर है, केक पक चुका है। ठंडा होने देंगे पहले से, फिर स्लाइस में कट करके आपको दिखाते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है, मैंने कट नहीं किया, मैंने सोचा आपके सामने करूं। ये देखिए कितना परफेक्ट केक बना है, ज़बरदस्त। बाकी का जो बैटर बच गया था वो हम दूसरा केक बनाने के लिए रख दिया है। हम कट करेंगे इसे स्लाइस में, इस तरह से। कितना ज़बरदस्त है, अभी भी ये थोड़ा गर्म है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, बिल्कुल परफेक्ट। आप भी बना सकते हैं घर में, बगैर ओवन के बन जाता है आसानी से। कितना सॉफ्ट है ये देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।